इज पोथी पढ़ पढ़ जग मुआरे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआरे, और पंडित भया न कोई। अरे ढाई अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर क्या है? सत्य। ढाई अक्षर क्या है? प्रेम। प्रेम लिखते हैं तो ढाई अक्षर बनता है, सत्य लिखता तो ढाई अक्षर बनता है। मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने सत्य को जान लिया, जिन्होंने प्रेम को जान लिया, उनके सामने डिग्रियां सब फीकी होगी। आज हम भले बीएससी है, आज हम भले डिग्रीधारी है, पर नारायण दादा का आगे फीका है। अनुभव है, अनुभव की बात है। और इसलिए पंडित केरी पोथियान जूती तर का ज्ञान, और न सगुन बतावही और आपन फंदन मान। दूसरा के तो ग्रह दिशा बताओ ना, अपने खुद अपने के खुद का ग्रह लगी जाए जदे की क्या करने जाए, वो ग्रह तो सब लगता है। इसलिए एक भजन है, देखेगा जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। हाँ जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। पंडित जी को कहा था कि पंडित जी पानी पी लो, छोटी जात समझ करके पंडित जी ने पानी ठुकरा दिया। उस समय जाति व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर थी। वो कहती है, वह माटी की गागर होती सो में भर के लाई जी। वह माटी की गागर होती सो में भर के लाई जी। कमाल कमाली कहती है कि पंडित जी, मैं पानी लेकर आई, वो मिट्टी की गागर है और उसमें से पानी भर के लाई हूं, और उसमें क्या हो गया? कहती है, हाँ वह माटी की गागर होती सो में भर के लाई जी। वह माटी की गागर होती सो में भर के लाई जी। उसी मिट्टी के हम तुम होते, उसी मिट्टी के हम तुम होते, छुटी कहाँ लपटानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। एक जैसा कर दो भैया, thank you।
साहब, उसी मिट्टी के हम तुम भी बने हैं, मिट्टी के घर से पानी लाई हूं, इसमें क्या इतराज है? पर क्या करो, जातिवाद की बेड़ियां पड़ी हुई है। उस नीच की हमारे देश में व्यवस्था थी, उस समय की बात है। आगे कहा, जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। कहती है चौका लगा कर भोजन करिया, खूब करी चतुराई जी। चौका लगा कर भोजन करिया, खूब करी चतुराई जी। लगा कर भोजन करिया, खूब करी चतुराई जी। ये उड़मा की भोजन पर बेटी, उड़मा की भोजन पर बेटी, चतुराई जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। की इस गुमराह करने वाली तौर तरीके हमारे सामने आ गए, जबकि उसका वैज्ञानिक मतलब क्या होता है? जैसे हम भोजन करते हैं और उसके आसपास पानी डालते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका वैज्ञानिक तथ्य तो ये रहा होगा अपने हिसाब से, इस देश में पहले लोग जंगलों में ऋषि मुनि और लोग रहते थे, उस समय रहने की व्यवस्था नहीं थी, पत्तों में भोजन करते थे, तो भोजन में कोई कीड़ी मकोड़े न जाए इसलिए आसपास गीला कर लेते, आसपास गीला कर लेते थे और बीच में पत्तल रख देते थे और भोजन हमारे लोग कर लेते थे, ताकि कोई छोटी मोटी कीड़ी कचरा उसके अंदर चल के नहीं आए, गीले के कारण कीड़ी अंदर नहीं आई, ये उसका कॉज था, ये उसका कारण था। और यहां पर आकर के हमने उसकी रीत बना दी और क्या हुआ? हमारा देश में हमारी बहन बहनियों बहन बेटियों के साथ में कैसा भेदभाव होता है? जैसे हमारी बेटी को किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई या पुत्री की प्राप्ति हुई, उन्होंने बेटी को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, तो हमारा लोग आज भी सवा महीनों तक कोई रोटी नहीं खाए। अरे दादा, हमारा जैसा कदे अस्पताल में नौकरी करने वाला कदे ऐसो पालन करे तो हमारे यहाँ तो रोज डिलीवरी ना हो, हम तो रोटी नहीं खाई पावा कभी भी। और उका हाथ को पानी सवा महीना तक नहीं पिए, अने कुआ को नदी को पानी सब पिए, है नी? कुआ को पानी भी पिए, नदी को पानी भी पिए। यार भैया, हमारा हाथ जोड़ू यार, एक घंटो ही क्यों यार, हसो के हसो जी यार। एक तो योग हनो दृष्टि एक बार सेटिंग कर दो, तो नदी को पानी पिलेगा, कुआ को पानी पिलेगा, पर बेन बेटी ने अगर बच्चा के जन्म दियो है तो सवा सवा महीना तक पानी नहीं पियो। अरे दादा, यो का को नियम है?
तो वह कहे कि चल ठीक है, कुआ का पानी के तू स्वच्छ समझे, कुआ का पानी के तो ऐसो समझे तो उक में डेडरा रहे, उक में मछली ना रहे, उक में अनेक जीव ना रहे। तो वह भी क्रिया वाच करे अनवीज अंडा दे ने वीज बच्चा पैदा करे तो दादा उन्हें सावड़ कर धोई थी तो तू पानी उनको तो नच पी उन्हें सवा महीनों कदी पालियो तो वैज्ञानिक बात है ये। तो इसलिए यूं कहा देखेगा जल की मछली जल में जाई जल में ही मर जाती जी, जल की मछली जल में जाई जल में ही मर जाती जी। नरा नुक्ता को नहीं खाई अने मरी गयो है खाया तो मेलो समझे हो गयो मेलो समझे। अब दादा हम तो रोज रोज अस्पताल वाला तो रोज मरे भी तो अन्न रोज चोटा न रोज जावल के दैसा रोज भूखज मरता फिर हम तो रोटी नहीं खवाया हमार से। अरे तो दादा ये शरीर मिट्टी में मिट्टी मिल गया उसके बाद में इसका कुछ अता नहीं पता कुछ नहीं है गया तीन कोई खबर न थी रे। एक भजन में ऐसा गुजराती में कहा है फिर भी हम हमारे मन में भ्रम है इसलिए कहा जल की मछली जल में जाई जल में ही मर जाती जी। ये वो पानी तूने पिया रे पंडिता वो पानी तूने पिया रे पंडिता कहाँ गई चतुराई जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी छान पियो जल पानी जी। कैसे हुए अच्छे फिर हम कैसे हो गया चोखा। इसलिए भ्रम को तोड़ो भ्रम को खत्म करो ठीक है। माता बहन की स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपने उनको काम नहीं करने दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। पर तुम सोचो कि इससे कुछ हो जाएगा और इसके हाथ का पानी नहीं पीऊं तो 100% नहीं 101% झूठ 101% झूठे कुछ नहीं होता उससे। जी हाँ इसलिए लेकिन इस देश में ये जाति व्यवस्था ने इस देश में उच्च नीच की व्यवस्था ने हमारे देश को भंडाधार कर दिया। इसलिए आगे कहा देखेगा उजला उजला कपड़ा पहरे गले सूत का धागा जी। उजला उजला कपड़ा पहरे गले सूत का धागा जी। कि ये जो उजले कपड़े पहन रखे हैं जिसकी वजह से तेरे जीवन को एक नई दिशा मिली है तुझे अपडेट किया है हमारे देश के किसान होने ने अरे तुझे कपड़ा पहनने को मिला और जिसकी तुम जनवाई पहनते हो ना वो भी कपास के धागे की और कपास किन्ने पकाया किसान ने पकाया हमने पकाया। इस देश में विडंबना कहिएगा कि जो जिस मनुष्य ने दूसरे लोगों की सेवा के लिए उसको अपडेट करने के लिए उसके जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करी कुमार ने मटके बनाए संत रविदास जी महाराज ने जूते चप्पल बनाए पर उसकी कदर नहीं है इस देश में
अरे जूता नहीं होता तो चल ले, चल इन बता दे जरा 100 कदम बिना जूता से। पर उसकी इज्जत नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा सपोर्ट किया, जिस व्यक्ति ने तुम्हारी जीवन शैली को बनाया, चमार ने जूते बनाए, क्या चमार की इज्जत होती है? कुमार ने मटके बनाए और पानी पीने की व्यवस्था का उन्होंने वो व्यवस्था करी, कुमार की इज्जत होती है? यही हमारे देश की विडंबना है। कबीर साहब 650 साल पहले हुए और उन्होंने करघे पर सूत बुनने का काम किया और कपड़े बनाए। इसलिए कमाली कहती है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारा तन ढका, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन शैली को मजबूत बनाया, उसके साथ भेदभाव? दोस्तों ये इसलिए है कि हम जागे नहीं, और जिस दिन हम जाग जाएंगे ना, उस दिन बात अलग होगी। इसलिए कहा उजला उजला कपड़ा पहरे गले सूत का धागा जी, उजला उजला कपड़ा पहरे गले सूत का धागा जी। सब जग नांगा फिरता जी, जल को भेद बता धन ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता धन ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। परदेश में पीरिया कोई गुरु नहीं मिलिया जी, देश में पीरिया परदेश में पीरिया कोई गुरु नहीं मिलिया जी। हाँ देश में पीरिया परदेश में पीरिया कोई गुरु नहीं मिलिया जी, देश में पीरिया परदेश में पीरिया कोई गुरु नहीं मिलिया जी। सदगुरु भेद बतायो जी, जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। जल को भेद बता ब्रह्म ज्ञानी, छान पियो जल पानी जी। गुरु महाराज की जय।